नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव समीर आप सभी का इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शिक्षक राजनीति कुछ इस तरीके से गंदी सोच वाले लोगों का शिकार हो चुका है, जिसमें आम आदमी सर्वाइव करना नहीं चाह रहा है, आम आदमी इसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। आज स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। सच कहूँ तो शिक्षक संगठनों की जो स्थिति है, जो समन्वय समिति की स्थिति है, उन सारे में आम शिक्षक अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक सच्चाई है। हम सभी जिन नेतृत्वकर्ताओं पर विश्वास करते हैं, जिन संगठनों को अपना मानते हैं, आज वह आम शिक्षक के साथ राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कर रही है, ये सत्य है। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से उन्हें ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं उन सारे संगठन के नेतृत्वकर्ताओं को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाह रहा हूँ। मैं उन्हीं लोगों को खड़ा कर रहा हूँ जो इस तरीके का कार्य करते हैं। इस संघर्ष समिति की लड़ाई में हमारे कुछ आम शिक्षक किसी कारणवश अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा महसूस उन्हें नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हम सभी का फर्ज बनता है कि जो समिति बनी है उसके माध्यम से उसका सलूशन निकले, उसका हल निकले। अगर किसी बहन के द्वारा किसी आंदोलन में जेल चले जाना अगर उसकी गलती थी, जिसे कुछ संगठन के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, अगर गलती थी तो आम शिक्षक फिर क्यों आंदोलन करेंगे, क्यों आंदोलन में भाग लेंगे? क्या आंदोलन में नेताओं को अपना चेहरा चमकाना, क्या आंदोलन में नेताओं के द्वारा अपना वाहवाही लूटना इतना ही भर कार्य है, या आम शिक्षकों के प्रति भी उनका कुछ फर्ज है? अगर फर्ज है तो उन्हें निभाइए, क्योंकि यह लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, नेताओं की लड़ाई नहीं है। हो सकता है किसी नेता को अपना चेहरा चमकाना हो, आम शिक्षक को चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके का उन्हें इस तरीके का चेहरा चमकाने से कोई मतलब पर नहीं रखता है, लेकिन अगर सच्ची बात हम जैसे शिक्षकों के द्वारा कहा जाता है तो कहीं ना कहीं उनके मन में खटास पैदा करेगा और उन्हें हमारी बातें जरूर चुभेंगी। तो मैं उन सारे लोगों से निवेदन करता हूं कि इन सारी बातों को त्यागिए और आम शिक्षकों के लिए शिक्षक राजनीति को गंदा नहीं करते हुए, उसको दूषित नहीं करते हुए आम शिक्षकों के लिए अपने कार्य को समर्पित कीजिए, ताकि आम शिक्षकों के बीच आपकी जो छवि है, जो छवि बनाने में बहुत समय लगता है, वह हमेशा बनी रहे। तो इसी विश्वास के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम शिक्षकों के साथ नेतृत्वकर्ताओं को, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा, लेकिन इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।